जैसा कि आप सभी को पता है कि अब दिल्ली में कोविड-19 काफी ज्यादा कंट्रोल हो चुका है और ऐसे में अब हरियाणा में अगर बात करें पानी पर तो उसकी स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पानीपत में भी पहले पूरे हरियाणा में ऑक्सीजन जाँच केंद्र लगाए हैं और आज उसी को लेकर दिल्ली के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, जो इस वक्त पानीपत में है। शर्म करें मनोहर सरकार, भंडारा हो गई हरियाणा सरकार। हरियाणा की सरकार की खुद का विश्वास हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं रहा, जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। खुद मुख्यमंत्री और इनके सारे मंत्री, विधायक और सांसद आज प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। क्यों नहीं इनका विश्वास अपने सरकारी हॉस्पिटलों के ऊपर? क्या ये चाहते हैं कि जनता सिर्फ और सिर्फ परेशान होने के लिए है? हरियाणा के अंदर कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑक्सीजन जांच सेंटर हरियाणा के हर गांव के अंदर खोलने जा रही है ताकि कोरोना के विषय में लोगों को जानकारी मिले और दिल्ली की राह पे दिल्ली मॉडल हरियाणा में आके हरियाणा भी सुरक्षित हो। सफाई एमसीडी के पास है और एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। फिर आम आदमी पार्टी आएगी, दिल्ली को बेहतर सफाई करके दिखाएगी। भाजपा सांसद जो एमसीडी है वो सफाई जान बूझ के दिल्ली के अंदर लेकर परेशान कर। सांसद जी, हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, यूपी की आबादी 24 करोड़ है, हरियाणा की 2.5 करोड़। 24 करोड़ की आबादी से देखिए, इस वक्त हमारे साथ टाइम फॉर पानीपत के साथ विचारधारा को मैं सल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो
किसी भी विरोधी पार्टी या विपक्ष की कभी बुराई नहीं करते हैं, अपने काम से लोगों का दिल जीतते हैं। यही काम है, हम उनके कार्यकर्ता भी उन्हीं के ही इस जो आग्रह को फॉलो करते हुए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम जो लोग हैं उनके घर घर जाके सारे पदाधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों के घर घर जाके ऑक्सीजन चेक करेंगे। जिसका ऑक्सीजन 95 या 90 से कम आता है उसको हम ये निवेदन करेंगे कि आप अस्पताल में जाकर अपना जो है स्वास्थ्य चेक कराएं, कहीं ना कहीं आपकी जान को खतरा है। इतनी संजीदगी से अगर आम कार्यकर्ता इस बात को अपनी जान जोखिम में डालकर घरों में जा रहा है तो विचारधारा को सल्यूट है अरविंद केजरीवाल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिखाया कि आम आदमी पार्टी